हे सो व्हाट्सअप गए, कैसे हो सारे लोग? आशा करता हूँ सारे लोग सही होंगे। एंड आज हाँ, हम अपने कमरे से थोड़े बाहर आ चुके। मैं आ चुका हूँ अपने छत पर। तो आज मैं यहाँ पर वीडियो किस लिए बना रहा हूँ? मेरा आज वीडियो बनाने का कोई मकसद तो था नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड वीडियोज़ तो डेली आ ही रही है सुबह सुबह, क्योंकि वो एक दिन पहले ही बना लेता हूँ और रात को अपलोड शेड्यूल करके अपलोड कर देता हूँ, सुबह तक आ जाती है। तो यार अभी हमारे चैनल को 1 साल पूरे होने को आए हैं। इस महीने 27 तारीख को हमारे चैनल को 1 साल हो जाएगा, मतलब 365 दिन की जो मेरी मेहनत है वही है अभी, और तो कुछ है नहीं। एंड हाँ, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब मेरा चैनल मतलब ऐसा बूस्ट मार रहा था कि व्यूज़ पर व्यूज़ आ रहे थे, एंड एक ऐसा भी टाइम आया था कि बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आए थे। एंड अभी एक ऐसा टाइम आ रहा है जो आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे, आ रहे हैं फिर नहीं, फिर भी नहीं आ रहे, तो ऐसा कुछ टाइम चल रहा है। तो मैंने सोचा हमारा चैनल को गज्जू आईटी की जो जितनी भी फैमिली है, गज्जू आईटी फैमिली, तो 1 साल होने को आए, तो यार आपने जो मेरे को पहले से देख रहे हैं या आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते आ रहे हो या फिर कुछ महीनों से फॉलो कर रहे हो, तो मुझे इतना तो ज़रूर से आप कमेंट करके बता सकते हो कि यार पहले कैसा था चैनल एंड अभी कैसा है। एंड आप लोगों को इस चैनल में स्टार्टिंग से अब तक कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लगी, कौन सी चीज़ सबसे ख़राब लगी, कौन सा मोमेंट ऐसा था कि जब कि हाँ भाई यार गज्जू भाई की आज वीडियो आने वाली है, और कौन सा ऐसा मोमेंट था कि यार इसकी वीडियो फिर से आ गई यार देखना पड़ेगा क्या। जो भी अच्छे मोमेंट्स होते हैं, बैड मोमेंट्स होते हैं, जो भी मोमेंट्स हो रहे हैं, मेरे को नीचे ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर से बताना यार। मैं किसी पर भी गुस्सा तो होने नहीं वाला हूँ, मेरे को जानना है कि आप क्या सोचते हो एंड आप क्या नहीं सोचते हो, मेरे को मैटर तो नहीं करता है। बट हाँ, मेरी ग्रेजुएटी जो फैमिली है, इंपॉर्टेंस देता हूँ कि यार हाँ मेरी खुद की एक फैमिली है ऑनलाइन में, जो भी फैमिली है कह सकते हो, तो यार मेरे को कमेंट करके बताना। तो आगे हम ये बात करने वाले हैं कि मुझे पता है कि इस वीडियो पर अभी ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आने वाले, लगभग आएंगे तो 10 से 15 व्यूज़ आ जाएंगे आराम से, उसके बाद तो पता नहीं। तो यार मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में था तो नया नया था, तो मैंने सारी चीज़ें ही ट्राई कर ली थी चैनल पर, आपको पता ही होगा, कहने की बात ही नहीं है। तो अभी कुछ ऐसे नए नए बंदे जुड़े हमारे चैनल पर जो कि कुछ और टॉपिक्स डिमांड कर रहे हैं, एंड हमारे जो ओल्ड मेंबर्स है वो कुछ और टॉपिक डिमांड कर रहे हैं। तो मेरे को कि 2021 भी आने वाला है, तो 2021 से हम सिर्फ एक ही टाइप से जाए या फिर हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करें। ऐसे यूट्यूब चैनल कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक टॉपिक को कवर करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ कवर करते रहते हैं, तो मेरे को पता नहीं है। बट हाँ, मैंने ये भी सोचा था कि अपना चैनल का नाम चेंज करूँगा, गज्जू आईटी अभी नाम है, क्योंकि जब 1 साल पहले YT इतना नहीं था, बट अभी सारे यूट्यूबर YT लगाने लगे। ज़्यादातर YT के जितने भी यूट्यूब चैनल होते वो यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स ही देते, बट मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स देने में, मैंने YT इसीलिए लगा था कि गज्जू यूट्यूब, इसीलिए YT रख दिया था। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल का नाम गज्जू YT से हटके गज्जू रखूँ। हाँ भाई, हटके गज्जू सोच तो रहा हूँ बट अभी तक नहीं रखा, क्योंकि नेम अभी चेंज करने पे थोड़ा बहुत चैनल पर फिर से असर पड़ने वाला है, तो अभी तक मैं सोच ही रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ही बता दूँ कि क्या करूँ मैं, हटके गज्जू इस चैनल का नाम रख दूँ, क्योंकि न्यू ईयर भी आने वाला है, 1 साल हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। तो सोच रहा हूँ कि चैनल को एक नया नाम देकर एक नई फिर से शुरुआत करूँ, क्योंकि 1 साल में बहुत उतार चढ़ाव सारा सब कुछ हुए वही। तो बस दोस्तों इतना ही कहना था, एंड आया था मैं छत पे, क्योंकि घर पर बैठे बैठे है ना वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, मतलब वो चार तरफ दीवार यार, सारा दिन तो वही बैठे रहते, आज भी वही बैठे, तो वो एक माइंड से नोट हो जाता है। बट यहाँ का जो सीनरी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सही है यार, क्योंकि घर थोड़ा ऊपर है ना, तो मतलब जितने भी छोटे छोटे घर है ना वो सारे के सारे दिख जाते हैं आराम से, वही बात है। तो मुझे नहीं, तो जरूर से कमेंट करके बताना, और बस इतना ही था यार, मिलते हैं नई वीडियो में।